इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिली है। जब ये बात सुनी तो गुरुदेव कहने लगे हैं कि बेटा राम लक्ष्मण तुम बैठो। और गुरुदेव राम से बोले उठो राम भंजो भव चापा और मेटो तात जनक संतापा मेटो तात जनक परितापा। जब आप किया बेटा राम तुम खड़े हो और जनक प्रताप को दूर करो, जो संशय है उसे दूर करिए। राम जी खड़े हुए और जैसे ही राम जी खड़े हुए तो सभी राजा महाराजा ताली बजाकर हंसने लगे। हम जैसे राजा महाराजा उसे धनुष हिला नहीं, जो कल को छोरा धनुष तोड़े वो है। लेकिन प्यारे सहज ही चले सकल जग स्वामी सहज ही। राम जी सहज ही चले बोले मतलब। और जो राजा महाराजा सहज कैसे मतलब, जो राजा महाराजा गए थे ना धनुष तोड़ने, वो तो हाथ पैर फटकारते हुए मोच पर दाव देते हुए तब उठे, लेकिन राम जी सहज ही चले। ना हाथ पैरों को फटकारा ना सीना सतर किया, सहज ही चले। कैसे मनहु मंजुवर कुंजर गामी। मंजुर मतलब हाथी की चाल, हाथी की चाल भगवान चले। अच्छा आपने देखा होगा हाथी, हाथी देख आपके गांव में कभी आया हाथी कहे महाराज हाथी आयो कभी आओ आओ। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी प्यारे, हाथी जब आता है तो श्रद्धालु लोग हाथी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अगर कोई बच्चे भी आए तो बुजुर्ग कहते हैं बच्चों से अरे बेटा ये गणपति महाराज ने प्रणाम करो। और प्यारे जितने हाथ जानवरों में हाथी के लिए जोड़े जाते हैं शायद है इतने हाथ किसी और जानवर को जोड़े जाते हैं महाराज। सही बात है, जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं उतने हाथ किसी जानवर को नहीं जोड़े जाते। हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े भी नहीं होंगे प्यारे, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते भी नहीं होंगे। सोचा कभी हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते मिलेंगे और हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। लेकिन प्यारे हाथी के अंदर एक बहुत खूबी होती है, बताएं क्या? हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। प्यारे जिसके जीवन में स्तुति और निंदा समान हो गई हो ये समझ लेना कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने लगी है। अगर कोई भगवान का भक्त है उसका कोई अगर अपमान भी कर देना तो भी वो बुरा नहीं मानेगा, वो ये कहेगा हरि की कृपा से, ये अपमान नहीं है तो सम्मान है मेरे लिए, है ना? ऐसे ही प्यारे जब कोई मानव आगे बढ़ता है ना, अच्छे रास्ते पर जाता है, अपने लाइफ का कोई ऐसा सीक्रेट टारगेट बनाता है, अपनी कोई मंजिल बनाता है कि वहां तक हमें पहुंचना है, अगर वो इंसान आगे बढ़ता है तो जैसे हाथी के पीछे कुत्ते पड़ते हैं ना, तैसे ही संसार में भी रहने वाले लोग पड़ जाते हैं पीछे। लेकिन प्यारे अगर तुमने अडिग सीक्रेट बनाया है कोई तो आंखें बंद करके चलिए, पीछे मुड़ के मत देखिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना, लोगों का काम ही है कहना। अगर तुमने ये सोचा कि ऐसा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे तो लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते। हाथी की तरह मस्तानी चाल चलते रहो प्यारे, पीछे मुड़कर मत देखिए। एक बार 10-11 मेढकों का झुंड चला, किसका मैडम को नहीं मेढकन को। एक बार
दस बारह मेढकों का झुंड चला हिमालय की चोटी पर चढ़ने, और उसमें से ग्यारह बारह जो भी मेढक थे वो चढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, थोड़ा चढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। बारह मेढकों में से ग्यारह मेढक जो थे वो हार मानकर रुक गए, बोले अब नहीं चढ़ा जाएगा। जो बारहवां मेढक था ना, वो चढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, हार नहीं मान रहा है वो प्यारे, वो हार नहीं मान रहा है। ग्यारह जो जमीन पर पड़े कहने लगे, अरे हम ग्यारह नहीं चढ़ पाए, तेरी औकात गए, तू का चढ़ लेगो। लेकिन बारह वाले ने बिल्कुल भी कोई गौर नहीं किया, वो चढ़ता ही जा रहा है। एक दिन वो जो मेढक था वो चोटी पर चढ़ी गया। पता है क्यों चढ़ गया? क्योंकि उस मेढक ने अपने कान बंद कर रखे थे, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए प्यारे कोई भी काम करिए, मेरी बहन मेरा भाई, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अपने जीवन का कोई टारगेट जरूर बनाइए कि मुझे ये करना है। और माँ बाप के एक रुपए को, माँ बाप के पसीने के एक रुपए को एक लाख मान करके खड़े उतरिए और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। पीछे मुड़कर मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे प्यारे, लोगों ने तो सीता जैसी नारी को नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेंगे क्या? लोगों ने तो सीता जैसी नारी को नहीं छोड़ा। इसी के बीच में ये 101 रुपए परी नाम था ना शायद बेटी का, और ये 101 मुद्रिकाएं भेंट करके गई हैं बेटी रिया की ओर से, इसी गांव से है ना जी, इसी गांव से है। व्यास जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु बेटी को इतनी सद्बुद्धि दें जिससे आगे चल के बिटिया माता पिता का नाम रोशन करे, जीवन में कली वेदना ना आए, क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। श्रीमान श्री गीतम सिंह भैया जी की ओर से 101 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद बेटी व बहन के सर पर बना रहे हैं जिससे बहन अपनी मंजिल को प्राप्त करें। व्यास जी से प्रभु की प्रार्थना है। और 101 मुद्रिकाओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान श्री दुर्जय सिंह हमारे पिता तुल्य हैं, बेटी को आशीर्वाद रूपी 101 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद बेटी के सर पर बना रहे जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करें, यही आकांक्षा है। व्यास जी से प्रार्थना करेंगे इनके जीवन में कली वेदना ना आए, क्षेत्र में आगे भाग बढ़ते रहा सकक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए प्यारे हर बहन को हर भाई को अपने जीवन का कोई ना कोई टारगेट बनाकर जीना चाहिए, और वो टारगेट भी ओपनिंग में नहीं, सीक्रेट में, यानी गुप्त में। उसका ओपनिंग नहीं करना चाहिए, ओपनिंग तभी हो जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। और प्यारे खड़े उतरिए फिर उस पर, क्योंकि मैं अपनी बताऊं, जब मैं संगीत में आई लोगों ने बहुत कुछ बोला, यहां तक कि हमारे सगे जो मामा थे ना, हमारे मामा है फौजी वगैरह, उन लोगों ने बहुत व्यंग किया, हमारी माँ से रिश्ता भी तोड़ दिया। बोले लड़की को संगीत सिखाओगे तो रिश्ता हमारा तुम्हारा खत्म। हमारी माँ ने भी मुझे रोका, मैंने कहा आपका रिश्ता टूटे चाहे कुछ भी हो, मैं कोई ढोला नहीं कर रही हूँ, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे काम पर जा रही हूँ। काफी 2-4-6 महीने तक तो आवागमन ननियाल से बिल्कुल बंद हो गया सिर्फ मेरी वजह। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप परेशान हो, मैं कर्म ऐसा करूंगी तो समाज में तुम छाती तान करके बात कर सको, सर उठा करके बात करो, आप परेशान रहो। आज वही मेरे मामा कहते हैं कि हाँ मेरी वांजी, हाँ। तो इसलिए कहते हैं प्यारे ये मत देखिए कि लोग क्या कहें, लोगों का तो काम ही कहना है। तो ऐसे ही प्यारे भगवान चले सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही ना हाथ पैरों को फटकारा ना मोच पर दाव दिया, भगवान चुपके से उठे गुरुदेव को प्रणाम किया, एक नजर सभी पर डाला, मन ही मन में नमन किया और उठ करके चले। और जैसे ही भगवान चले प्यारे
जैसे ही भगवान चले आगे, राजा महाराजा ताली बजा के हंसी कहने लगे, भैया अब चलिए चिड़िया फाड़ उठा। एक कहने लगो, देख भैया पहले तो जो धनुष तोड़ नहीं पावेगो, अगर बाय चांस कैसे तोड़ भी देगो ना तो कल को छोरा है, सीता लेके जाएगो तो रास्ता तब मई, दो इधर से लगाऊंगो दो उधर से लगाऊंगो, सीता को छीन लूंगो। जिसके जो मन में आ रही अपने में बक रहे हैं, लेकिन भगवान ने किसी की बात पर प्यारे ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़े। इधर सीता जी ने देखा कि हमारे प्रभु श्री राम की धनुष तोड़ने के लिए आगे को बढ़ गए हैं। सीता जी ने विचार किया, क्या करें, हमारे जरा से राम जी हैं, धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। सीता जी सोचने लगी, ऐसा करती हूँ मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि शिव जी का दिया हुआ धनुष है। हाथ जोड़कर खड़ी हुई, भोलेनाथ की जैसी स्तुति करनी चाहिए प्यारे। दिमाग में आया कि भोले को भंगिया पीने में लग गए तो आवाज ना सुनेंगे। फिर दिमाग में आई, ऐसा करती हूँ पार्वती का ध्यान करती हूँ। फिर दिमाग में आई, पार्वती भंगिया घोटन में लग गई तो वो भी ना सुनेगी। बोले क्या करें। सीता जी ने विचार किया, स्वयं इस धनुष से ही आग्रह करती हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़कर धनुष से आग्रह किया, हे धनुष महाराज, हमारे प्रभु श्री राम आपका जैसे स्पर्श करें तैसे ही आप टूट जाना। सीता जी स्तुति कर रही है प्यारे, और इधर राम जी आगे बढ़े, धनुष की एक परिक्रमा की तो हुआ ऐसा। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में, टूट टूट गए टूट पड़ी, भरी गई भोर ध्वनि। चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने नहीं देख पाया कि धनुष कब टूटा। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े, भगवान ने धनुष का परिक्रमा किया। विद्वान तो यहां तक कहते हैं महाराज कि जो राजा महाराजा बैठे थे ना, उन्होंने अपने आंखों के पलकों को अपने हाथों से पकड़ लिया। ऐसो नहीं हो गया धनुष कोई और तोड़ जाए छोरा को ना। लेकिन प्यारे किसी ने देख पाया किसी ने नहीं, भगवान ने धनुष के टूक टूक करके जमीन पर डाला और आकर के गुरुदेव के पास खड़े हो गए। श्रीमान श्री रविंद्र पाल।